तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल वाजिद ग्राफी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 1973 में आने वाली 10 सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। और दोस्तों वहीं पर जानेंगे कि साल 1973 में 10वें नंबर पर कौन सी फिल्म थी और नंबर 1 पर कौन सी फिल्म थी। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके ही लाइक से हमारी असल अर्निंग है। और दोस्तों फिल्में नई हो या पुरानी, सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हुए जानते हैं कि साल 1973 में 10वें नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था आ गले लग जा। ये मूवी 16 नवंबर साल 1973 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नज़र आए थे शत्रुघ्न सिन्हा, शशि कपूर इसमें अहम किरदार में नज़र आए थे। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि इस मूवी का बजट तकरीबन 50 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1,50,00,000 रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 3 करोड़ की जबरदस्त कमाई की थी। और ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी, एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि साल 1973 में 9वें नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था हीरा। ये मूवी 23 अक्टूबर साल 1973 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा इसमें अहम किरदार में नजर आए थे। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बजट की, तो इस मूवी का बजट तकरीबन 80 लाख रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 1,75,00,000 रुपये कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 3,50,00,000 की शानदार कमाई की थी। और दोस्तों इसमें जो शत्रुघ्न सिन्हा का जो किरदार था बहुत ही शानदार था, बहुत ही लाजवाब था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि साल 1973 में 8वें नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था धर्मा। ये मूवी 23 नवंबर साल 1973 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे प्राण रेखा, इसमें अहम किरदार में नजर आई थी। और दोस्तों इस मूवी का बजट जो था वो मालूम नहीं चल पाया, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4 करोड़ की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि साल 1973 में 7वें नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था लोफर। ये मूवी 12 मार्च साल 1973 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे मुमताज, धर्मेंद्र इसमें अहम किरदार में नजर आए थे। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि इस मूवी का बजट तकरीबन 1 करोड़ रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2,25,00,000 रुपये की शानदार कमाई की थी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4,50,00,000 की जबरदस्त कमाई की थी। और ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी, एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि साल 1973 में 6वें नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था कहानी किस्मत की। ये मूवी 19 दिसंबर साल 1973 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे धर्मेंद्र, ही रेखा इसमें अहम किरदार नजर आई थी। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि इस मूवी का बजट तकरीबन 1 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2,50,00,000 रुपये शानदार कमाई की थी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 5 करोड़ रुपये कमाए थे। और ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी, एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि साल 1973 में 5वें नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था यादों की बारात। ये मूवी 2 नवंबर साल 1973 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे धर्मेंद्र, जीनतवान इसमें अहम किरदार में नजर आई थी। और इस मूवी का बजट तकरीबन 1 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2,75,00,000 रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें
तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने तकरीबन 5 करोड़ की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी। और दोस्तों इसमें जो धर्मेंद्र साहब का किरदार था काबिले तारीफ था और बहुत ही लाजवाब था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि साल 1973 में चौथे नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था जंजीर। ये मूवी 11 मई साल 1973 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे अनीता वचन, प्राण इसमें अहम किरदार नजर आए थे। और दोस्तों इस मूवी का बजट तकरीबन 1 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने तकरीबन 6 करोड़ की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि साल 1973 में तीसरे नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था दाग। ये मूवी 27 अप्रैल साल 1973 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे राजेश खन्ना, राखी गुलजार इसमें अहम किरदार नजर आई थी। और दोस्तों इस मूवी का बजट तकरीबन 1 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 2 करोड़ 25 लाख की शानदार कमाई की थी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख की जबरदस्त कमाई की थी। और ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी। इसमें जो राजेश खन्ना साहब का किरदार था बहुत ही लाजवाब था और बहुत ही शानदार था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि साल 1973 में दूसरे नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था जुगनू। ये मूवी 30 अगस्त साल 1973 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, प्राण इसमें अहम किरदार में नजर आए थे। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि इस मूवी का बजट तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3 करोड़ 50 लाख रुपये कमाए थे। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 7 करोड़ की शानदार कमाई की थी। और दोस्तों ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी। इसमें जो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का जो किरदार था बहुत ही लाजवाब था और बहुत ही शानदार था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि साल 1973 में नंबर 1 पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था रॉकी। ये मूवी 28 दिसंबर साल 1973 में आई थी। ये फिल्म अगर हम बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि इसमें मुख्य किरदार में ऋषि कपूर, डिंपल कवाड़िया इसमें अहम किरदार में नजर आई थी। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट तकरीबन 75 लाख रुपये था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 5 करोड़ 50 लाख रुपये की शानदार कमाई की थी। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने तकरीबन 11 करोड़ की शानदार कमाई की थी। और दोस्तों ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी थी, काबिले तारीफ मूवी थी, एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और दोस्तों इसमें जो ऋषि कपूर साहब का किरदार था बहुत ही शानदार था, बहुत ही लाजवाब था। और दोस्तों ये साल 1973 में नंबर 1 पर थी और इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर भी शानदार कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में भी इस मूवी ने शानदार कमाई की थी। और ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम बॉलीवुड के सुपरस्टार अनीता वचन की अभिमान मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वहीं पर जाने की इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपके लिए बता चलूं कि ये मूवी 27 जुलाई साल 1973 में आई थी। फिल्म इसमें मुख्य किरदार में अनीता वचन साहब नजर आए थे। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मूवी के बजट की तो इस मूवी का बजट तकरीबन 45 लाख रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइव टाइम 85 लाख रुपए कमाए थे। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, एडवेंचर से भरपूर फिल्म थी, लेकिन ये मूवी इसी कमाई के चलते हुए बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। तो दोस्तों इन सभी मूवियों में
से कौन सी मूवी आपके ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।